ha gurinda ha one second yaar to kuch to hoga na uska sir kuch candidate candidate matlab ha bas bas yahi sab chahiye tha kitna left fir aapko main bola picture dekhna thank you bhai this sir wait thank you thank you mujhe wait aisa kaise bol raha hai बिल्कुल अभी पलटन का प्रमोशन चल रहा है और बहुत इंटरव्यूज चल रहे हैं बैक टू बैक और सैटरडे नाइट है तो देबिना का प्लान था कि कहीं इनको लेके जाऊं तो अगर जब बीवी बोल देती है तो वो ज़रूर करना पड़ता है बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं ना एक्चुअली अभी थोड़ा बिजी है बट फिर भी हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं नहीं ज़बरदस्ती इनका बोलना होता है चलना ही पड़ेगा तो जाना पड़ता है क्या करें हाँ इसलिए कैदी प्रिंट पहना है हाँ देखो मैं कैदी बन बोला मैं तो कैदी हूँ मैंने बोला ऐसा क्यों पहना है कैदी प्रिंट बोला मैं कैदी हूँ तो बोल के पहन के आया बीवी के सामने हम सभी कैदी हैं टू मच वेल हम सभी जेपी सर के बहुत बड़े फैन हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा पंखा हूँ और क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड रहा है और आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है पैदा हुआ आर्मी हॉस्पिटल में तो हम सभी ने फौज से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ मैं और एज एन एक्टर हमेशा मुझे लगा था कि फ़ौजी ज़रूर बनूँगा लेकिन दिल में और दिमाग में यही था कि अगर फ़ौजी बनना है तो जेपी सर की फ़िल्म होनी चाहिए और इसका इंतज़ार बहुत था और फाइनली देखिए जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो वो पूरा हो जाता है और पलटन रिलीज़ पे है 7 सितंबर को अभी हम प्रमोशन पे निकल चुके हैं फिल्म का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है इंडिपेंडेंट डे आ रहा है किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं और क्या कहेंगे इंडियन जवानों सोल्जर्स के लिए वेल देखिए बॉर्डर पे जो रहते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए हमारे बारे में हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है वो हम जब मैं शूट कर रहा था लद्दाख में तब उनके साथ हमने शूट किया है और वो इतना कैजुअली बोल रहे थे एक सिपाही जो थे विनोद नाम के थे वो मेरे साथ पलटन में आधे ज़्यादातर सीन में वो मेरे साथ थे तो हमारी बहुत बातें होती थी तो उन्होंने बड़े कैजुअली बोला कि मुझे 3 गोली यहाँ पर लगी है कश्मीर में तो मैं सोच के हैरान था कि वो जवान इतना प्यार से हंस के बोल रहा था पूरी कहानी बता रहे थे कि मुझे 3 गोली लगी और मुझे पता भी नहीं चला बाद में मालूम चला जब चेक किया अच्छा 3 गोली लगी है और मुझे यकीन नहीं हुआ मुझे लगा कि वो जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो 15 अगस्त सिर्फ एक दिन क्यों मनाते हैं ये तो मुझे समझ ही नहीं आता हिंदुस्तान में हर दिन होना चाहिए और सभी एक्टर्स से और सभी सुपरस्टार से यही गुजारिश करूँगा बहुत सुपरस्टार्स ऐसा करते भी हैं जो कि बहुत अच्छी बात है हर 2 साल में एक फ़ौज को लेके एक फिल्म होनी चाहिए जिसमें वो खुद हीरो होना चाहिए ताकि जितने भी फौजी सरहद पे हैं बॉर्डर पे हैं वो मोटिवेट हो क्योंकि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे बॉलीवुड के Every day. Thank you so much. For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app. Movie 9 PM.